Okay, dear student, here I am starting 12th chemistry topic, stereochemistry. On the humble request of my student, I am preparing a video lecture for the benefit of my dear students. The first topic of my lecture is stereochemistry. Stereochemistry, basically, it is a chemistry related to space. In this, the position of atoms or group change in space. For example, in structural isomers, the position of atom within the molecule changes. For example, this is my structure, और इस समय मेरे हाथ की पोजीशंस ये है और मेरे पैर की पोजीशन ये है. अगर मैं अपने हाथ को इस प्लेस से हटा के अपने पैर के प्लेस पे ले आऊँ और पैर को हाथ के प्लेस पे ले जाऊँ, तो ये जो बनेगा वो मेरा नया स्ट्रक्चर होगा. दैट इज माय स्ट्रक्चरल आइसोमर. बट व्हाट हैपेंस इन स्टीरियो आइसोमर? इन स्टीरियो आइसोमर द पोजिशन इन स्पेस चेंज. फॉर एग्जाम्पल, this is my position in space and my hands are placed in this position. Now I am placing my hand after breaking this type of bond into this condition. So this is another condition in space. So both the positions are stereoisomers. Stereoisomer of two type ke hote hain. One is configurational isomer and second is conformational isomer. Configurational isomer में होता क्या है कि atoms या group की position space में change होती है, लेकिन bond के break होने के बाद. हम carbon को, just for example, अगर मेरी ये position है तो मैं हाथ को यहाँ से हटाऊंगा या तोड़ूंगा तो फिर इस पोजीशन में लेके पहुंचूंगा, तो ये मेरा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर होगा. कॉन्फिगरेशनल आइसोमर में क्या होता है, इसमें भी स्पेस में पोजीशन चेंज होती है, लेकिन होता क्या है, इसमें हम कार्बन को रोटेट करके या एटम को रोटेट करके फिर वही पोजीशन ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये पहले हाथ की पोजीशन ये है, अब ये रोटेट करके फिर दोबारा से उसी पोजीशन में आ गया, तो ये मेरा नया कन्फर्मेशनल आइसोमर हो गया. क्योंकि कन्फर्मर्स एक दूसरे में कॉन्टीन्यूसली कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए हम उनको ट्रू आइसोमर में काउंट नहीं करते. सो हियर वी आर स्टार्टिंग कॉन्फिगरेशनल आइसोमर. कॉन्फिगरेशनल आइसोमर आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप. नंबर वन ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर टू ऑप्टिकल आइसोमर. सो फर्स्ट हियर वी आर स्टार्टिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर. सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू क्रिएट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो प्लीज नोट डाउन द कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. For geometrical isomers, condition number one, restricted rotation is required. Restricted rotation means carbon के about rotate नहीं करना चाहिए. अब carbon के about कब rotate नहीं करता है? एक तो condition है उसके अंदर multiple bond होने चाहिए. For example, double bond, triple bond. डबल बॉन्ड होने से क्या होता है, या पाई बॉन्ड कहीं बनता है तो कैसे बनता है? ऐसे ये मेरे दो हाथ है, ये अब बीच में इन हाथ में मैंने इस तरह से ये ऑर्बिटल्स की या दो ऑर्बिटल इनकी ओवरलैपिंग हो गई. अब इसको हम रोटेट नहीं कर सकता है जब तक इस बॉन्ड को, इसको ब्रेक ना कर दिया जाए. तो जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक ये वाला हाथ इस ऐसे रोटेट नहीं कर सकते. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन.
तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किन किन कंडीशंस में होता है इसको हम देख रहे हैं। पहली कंडीशन, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। साइक्लिक कंपाउंड है, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो वहां भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तो वहां भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, क्योंकि इसमें भी ये कार्बन इसके अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, वरना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तीसरी कंडीशन होती है बाइफिनाइल कंपाउंड। बाइफिनाइल कंपाउंड में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है अगर उनके फ्रंट पोजीशंस पर वल्की ग्रुप्स लगे हों तो। वल्की ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप, आयोडीन, Br, NO2, COS, COR, CONH2, NR2, ये सारे वल्की ग्रुप्स हैं, तो इनको आप नोट कर लें। कंडीशन नंबर टू, सेकेंड कंडीशन, टू डिफरेंट एटम और ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट ईच टर्मिनल ऑफ ए सिस्टम हैविंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब जैसे ये एक सिस्टम है, यहाँ से यहाँ तक इसका एक टर्मिनल ये है, इस पर टू डिफरेंट एटम ग्रुप ए और बी, इस पर भी एक टर्मिनल ये है, इस पर भी दो डिफरेंट एटम ग्रुप ए और बी, तो ये नेक्स्ट कंडीशन है टू डिफरेंट एटम और ग्रुप होने चाहिए इस टर्मिनल पर। एल्काइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज नहीं होती है, एल्काइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज नहीं मिलती है, क्यों, क्योंकि इनके टर्मिनल्स पर टू डिफरेंट एटम और ग्रुप प्लेस नहीं कर सकते, नो जीआई, इसलिए एल्काइन्स में टू डिफरेंट कॉन्फिगरेशन हमको नहीं मिल सकते। कंडीशन नंबर थ्री, टर्मिनल्स मस्ट नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस ये जो ए और बी है वो इस ए और बी के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। अगर ए, ये वाला ए और बी इस ए और बी के परपेंडिकुलर हुआ तो फिर जीआई नहीं मिलेगी। इसका एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमें जीआई नहीं मिलेगी। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें ये वाला ए और बी इस वाले ए और बी के परपेंडिकुलर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर आप देखें, वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, these two atoms are perpendicular to these two atoms. In this condition, two different structure are not possible, so this compound will not show geometrical isomerism. Even this compound have restricted rotation. Now I'm writing some examples. आपको बताना है कि उनमें कंपाउंड में जीआई है या नहीं।
फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज शो करेगा उसमें राइट कटिंग करूंगा मैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज क्यों शो करेगा, क्योंकि इसमें इस सिस्टम के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इस कार्बन पर टू डिफरेंट एटम ग्रुप ए और सी, इस कार्बन पे टू डिफरेंट एटम ग्रुप ए और बी। सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज शो करेगा क्योंकि यहाँ पर दो सेम एटम सेम साइज में हैं, इसलिए हम इस फॉर्म को बोलते हैं सिस फॉर्म। सिमिलरली सेकेंड कंपाउंड विल ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज, इट इज ऑल्सो सिस फॉर्म। सिमिलरली थर्ड कंपाउंड विल ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज, क्योंकि इसमें इस सिस्टम के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इस टर्मिनल पर भी टू डिफरेंट एटम ग्रुप, इस पर भी टू डिफरेंट एटम और ग्रुप हैं। बट हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ये सिस है या ट्रांस है, क्योंकि कोई भी दो सेम एटम डिफरेंट टर्मिनल्स के सेम साइड में नहीं है। ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इस टर्मिनल्स पर टू सेम एटम्स और ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलरली नीचे वाला कंपाउंड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज शो नहीं करेगा। ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें ये एच और सी एल इस एच और सी एल के परपेंडिकुलर है, जैसे कि हमने अभी देखा था। लेकिन इस वाले कंपाउंड में जी आई होगी, ये वाला एच और सी एल इस एच और सी एल के परपेंडिकुलर नहीं होगा। आप इस स्ट्रक्चर से इसको देख सकते हैं। ये जो कंपाउंड है, ये जो इस कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर इसका जैसे बना हुआ है। अगर हम इसमें एक कार्बन और इंक्रीज करें यहाँ, तो उसकी पोजीशन इस कार्बन के जैसे आ जाएगी, तो टर्मिनल्स इसके सेम साइड में हो जाएंगे, जैसा कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज होगी। सो स्टूडेंट, इट इज माय फर्स्ट लेक्चर, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एंड कंटिन्यू दिस टॉपिक विद दिस। ओके, थैंक यू।